अब नहीं हो पा रहा। मैं सोचा था देखो कि नो टॉकिंग करूँगा, बट ये फीलिंग भाई एक्सप्रेस करना बनता है। रात को 12:30-1 बजे एक कोरियन मील कंज्यूम करने का अलग ही मज़ा है। हल्का सा जुकाम और चिल्ड डाइट कोक। हेलो कद्दीस भाई, बहुत टेस्टी हो रहे हैं। Shh.
बहुत टाइम से मेरा मन कर रहा था ऐसा कुछ करने का, क्योंकि जब मैं नोएडा में था ना तो रात को मैगी की ये कोरियन रामन या फिर सैमयंग की होती थी जजैंग, रात को 12-1 बजे करीब कोई मूवी या वेब सीरीज़ देखते हुए मज़ा आ जाता था। तो ये चीज़ दोबारा से एक बार एक्सपीरियंस करने का मेरा बहुत मन था, इसलिए आज ये वीडियो किया। बल्कि दिस वॉज अ प्लान वीडियो, मैंने भानु भैया को भी बोला था कि भाई 12-12:30 बजे मैं नीचे आऊँगा ये अपना प्रिपेयर करने के लिए, बट वो उठे नहीं। कॉल करके देखूँ क्या, वो बहुत बढ़िया हो जाएगा। पहले भाई ये टाइम देख लो, 12:41 हो रहा है रात का। चलो भाई उठ गए क्या, आ जाओ अगर उठ गए तो। अरे आ जाओ थोड़ा सा चख लो। भाई आ जाओ आप भी खाओगे तो मज़ा आएगा। ये खिला रहा है या मैगी बारबेक्यू कोरियन नूडल। आधी रात को खाने का मज़ा तो है, स्पाइसी तो मस्त है। वो अलग से भी डालना सब इसी का है, ऐसे आता है मस्त है। पता है कितने में किट बनाए थे ये, कितने, 3-5 कोरियन चिकन है, हल्का सा स्वीट हल्का सा स्पाइसी। किसी उसके साथ सॉस क्या होता है, वैसे भी खा लो अदरवाइज सॉस स्वीट टेस्ट है, स्वीट अभी बाद बाद में स्पाइसी लगेगा थोड़ा। सुबह जिम भी जाना है, संडे है भाई आज, आज कोई जिम नहीं जाना है, तभी तो मैं खा रहा हूँ। बहुत मस्त हो रहा है, इसकी मिर्च बड़ी मस्त लग रही है, मज़ा आ रहा है खाने में। वो क्या है, फिंगर कॉर्न डॉग, थोड़ा ब्लैंड है, कोई फ्लेवर नहीं है, मतलब चीज़ का टेस्ट आ रहा है। दिखा दे तब भी टेस्ट तो कर लेता हूँ, आया हूँ क्राइम मास्टर गोगो, आया हूँ तो कुछ लेके ही जाऊँगा, लगा के खा सकते हो। अरे भाई ये करी ना अपने बात, लो और लो। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे लपेटना पड़ेगा। अरे भाई खाओ यार, भाई पागल हो गया क्या, क्या नहीं मैं खा रहा हूँ। सेंटर में टूट टूट सा बताए, अबे यार भाई इतना बड़ा यहाँ से दिख रहा, मुझे लगा बस इतना ही। चलो भाई ओके भाई, इसकी स्पाइसीनेस ना ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 10 नहीं है, इट्स समवेयर अराउंड 6-7। तो आपको वो स्पाइस का पंच मिल रहा है, लेकिन जो इसका टेस्ट है ना वो बहुत अच्छी तरह से इसकी स्पाइसीनेस को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। स्पाइसी है लेकिन फिर भी आपको इसे खाने का मन करेगा, आप खुद को रोक नहीं पाओगे। इसकी बात अलग है, प्लस मैंने इसमें एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल डाला था जिसकी वजह से चिपकी नहीं है अभी तक, अदरवाइज एसी ऑन है काफ़ी टाइम भी हो चुका है इन्हें, इतने टाइम में अक्सर नूडल्स चिपक जाते हैं। पांच मैगी और 6 चीज़ के स्लाइसेस, कुछ चिकन विंग्स और 2 कॉर्न डॉग अपन खा चुके हैं, बट स्टिल वो होता है ना कि यार कुछ ज़्यादा पेट भर गया, वैसा नहीं हो रहा है थैंक गॉड। अब मैं देखूँगा एक एपिसोड हाउस का, अभी नेटफ्लिक्स पे है MD, बहुत तगड़ी सीरीज़ है, एक एपिसोड अब उसका देखूँगा और फिर आराम से सो जाऊँगा। कल संडे है, आराम से उठूँगा। आज की वीडियो में भाई मज़ा आ गया, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर ऑलरेडी नहीं किया है। आई विल गेट यू गाइस ऑन टू द नेक्स्ट वन, पीस।